वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हो तो हाई, आई एम सुप्रिया। आई मेक वीडियोज अबाउट लाइफ स्टाइल, फैशन, हॉल एंड ट्रेवल। तो अगर आपको इस टाइप का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर की अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। इट विल रियली हेल्प माई चैनल टू ग्रो। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे टू शेयर माई स्किन केयर रूटीन, सो हियर इट इज। सो राइट नाउ इट इज 7 PM इन द इवनिंग। मैं अभी इवनिंग से ये वाली वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं अभी केमिकल एक्सफोलिएशन करने जा रही हूँ। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसको भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो अगर आपने अभी तक अपनी स्किन को कभी भी केमिकल एक्सफोलिएट नहीं किया है ना, तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। फर्स्ट, अगर आपकी एज 23 से कम है तो मैं आप लोगों को लाइक केमिकल एक्सफोलिएशन ट्राई करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। सो अगर आप कभी भी कोई नया प्रोडक्ट अपने स्किन पे ट्राई करते हो ना, सो ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। तो मैं थोड़ा सा क्लोज आ गई हूँ। सो मैंने अपने फेस को ना बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फेस वॉश करने के लिए मैंने यूज किया है ये सिंपल का मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, और हमेशा मैं केमिकल एक्सफोलिएशन से पहले इसी फेस वॉश को यूज करती हूँ। ये एक बहुत ही सिंपल सा फेस वॉश है, इसमें कोई भी एक्टिव्स नहीं है एंड दिस इज अ मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। तो ये बिल्कुल भी आपके स्किन को जो है वो ड्राई नहीं करता है। सो आफ्टर फेस वॉश आई लाइक टू यूज अ टोनर। सो आज मैं यूज कर रही हूँ ये मामा अर्थ का रोज फेस टोनर। मैं इसको थोड़ा सा अपने पाम पे ले लूंगी एंड आई विल जस्ट डैब इट ऑन माई स्किन। सो दिस इज माई फेस विदाउट केमिकल एक्सफोलिएशन। यहाँ पे थोड़े से मार्क है, मेरी स्किन ना थोड़ी सी मुझे बम्पी भी फील हो रही है। सो फॉर केमिकल एक्सफोलिएशन आई विल बी यूजिंग दिस डर्माको 15% AHA एंड 1% BHA बिगनर्स फेस पीलिंग सॉल्यूशन। सो जो एरिया आपके आईज के अराउंड है उसको छोड़ करके आपको बाकी पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है, और इसको लगाने के बाद लाइक थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन होता है एंड दैट इज ऑल राइट। मैंने इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है विदाउट अप्लाइंग अराउंड माई आईज। 10 मिनट का टाइमर लगा दूंगी। सो आई विल मीट यू गाइज आफ्टर 10 मिनट। मैंने अपने फेस को ना कोल्ड वाटर से धो लिया है और फिर उसको पैट ड्राई कर लिया है एंड दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स लाइक। मेरी स्किन ना थोड़ी सी रेड रेड सी हो जाती है इसको यूज करने के बाद में। सो माई स्किन फील्स वेरी सॉफ्ट, अब बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन हो गई है मेरी। सो अब मैं अपने स्किन पे अप्लाई करूंगी फिर से ये मामा अर्थ का रोज फेस टोनर जस्ट टू काम माई स्किन डाउन। सो मैं अगेन इसको थोड़ा सा अपने पाम पे ले लूंगी एंड डैब इट इनटू माय स्किन, और उसके बाद मैं अपने फेस पे यूज करूंगी ये सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर। सो इसमें भी कोई भी एक्टिव्स नहीं है, सो इट इज जस्ट परफेक्ट यूज आफ्टर योर केमिकल एक्सफोलिएशन। सो मैं इसका बहुत ही अच्छा सा अमाउंट अपने पाम पे ले लूंगी एंड आई विल जस्ट रब दिस, और मैं ना इसको बहुत ही अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई कर लूंगी। सो मॉइस्चराइजर इज डन एंड ओ माई गॉड माई स्किन फील्स सो गुड यू गाइज, इट फील्स वेरी वेरी सॉफ्ट। एंड लास्ट आई विल अप्लाई दिस बाय बाय डार्क सर्कल अंडर आई क्रीम फ्रॉम मामा अर्थ। तो मैं इसका भी थोड़ा सा अमाउंट अपने फिंगर्स पे ले लूंगी। सो आई विल यूज माई दिस फिंगर टू अप्लाई द अंडर आई क्रीम बिकॉज इस वाले फिंगर पे ना लाइक सबसे ज्यादा कम प्रेशर आता है एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल अराउंड योर आई एरिया। और अब मैं अपने फेस पे और कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। सो अब मैं बस अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ दूंगी, और मुझे अब बहुत ही जोरों की भूख लग रही है। सो मैं तो जा रही हूँ खाना खा के सोने। तो चलो मैं आप सबसे मिलती हूँ कल सुबह में। हेलो यू गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है फ्राइडे और मैंने अपने ऑफिस से आज ऑफ लिया है बिकॉज आज मुझे अपने एक रिलेटिव को विजिट करना है। दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी टॉप। अगर आपको ये टॉप अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको अपनी अजियो टॉपवेयर हॉल में शेयर किया है, वो ये वाली वीडियो है, तो आप इसको वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स लाइक राइट नाउ। सो कल जो भी रेडनेस आई थी ना आफ्टर केमिकल एक्सफोलिएशन, अब वो बिल्कुल ही जा चुकी है एंड माई स्किन फील्स सो सॉफ्ट एंड लाइक सो क्लीन। सो कल मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी कि मैं केमिकल एक्सफोलिएशन करती हूँ 1 in 10 days, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। सो फर्स्ट हम लोग अपने हेयर को ना पीछे में टाई कर लेते हैं। आई विल वॉश माई फेस एंड फॉर दैट आई विल यूज दिस सिंपल लाइट मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। सो हम लोग को बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट चाहिए रहता है। ओ शिट शिट शिट, बहुत ज्यादा निकल आया। दिस इज लाइक सो सो मॉइस्चराइजिंग, और ये ना लाइक बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है ऑन योर फेस। तो मैं इसको कुछ 20 सेकेंड तक अपने फेस पे बहुत ही लाइट हैंड से मसाज करूंगी। ओके, सो माई स्किन इज ऑल क्लीन। सो नाउ आई विल अप्लाई अ टोनर एंड फॉर टोनर आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ रोज फेस टोनर। सो आई विल टेक सम ऑन माई पाम, रब इट थोड़ा सा एंड देन आई विल जस्ट अप्लाई इट on my skin. It feels so good, you guys. So refreshing. So after that, I will apply a under eye cream. And for that, I am using this Bye Bye Dark Circles Under Eye Cream by Mama Earth. आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है ज़्यादा, जस्ट यूज वेरी वेरी लाइट हैंड। क्योंकि आज मैं बाहर जा रही हूँ सो आई वॉन्ट अ लिटिल ग्लो ऑन माई फेस। सो फॉर दैट ग्लो आई एम गोइंग टू यूज दिस लॉरियल रिवाइटल लिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। सो ये वाला सीरम मैं डेली यूज नहीं करती हूँ, आई यूज इट व्हेन आई नीड दिस। So I will take this serum and I will just apply some hair, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, okay? और अब आप इसको फटाफट से हल्के हाथों से
अपने पूरे स्किन पे लगा लो. इट जस्ट गेट अब्सॉर्ब इन टू योर स्किन वेरी वेरी क्विकली. कैन यू सी दैट इंस्टेंट ग्लो इट गिव्स टू योर फेस एंड इंस्टेंटली माई स्किन लुक्स वेरी वेरी हेल्दी. आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. सो आफ्टर दिस आई विल अप्लाई अ मॉइस्चराइजर एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस सिंपल हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर. सो आई विल टेक सम ऑन माई हैंड्स, जस्ट रब इट अ लिटिल बिट, देन आई विल जस्ट अप्लाई इट इन टू माई स्किन. आपको अपनी स्किन को ना लाइक बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, आपको बहुत ही प्यार से अपने स्किन को टच करना है. सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स आफ्टर अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर. सो आफ्टर मॉइस्चराइजर आई विल अप्लाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन योर डे टाइम स्किन केयर रूटीन एंड इट इज अ सनस्क्रीन. सो आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम न्यूट्रोजिना. इट इज द न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर सनब्लॉक. सो आई विल टेक सम ऑन माई फिंगर्स दिस मच, रब इट अ लिटिल बिट एंड आई विल जस्ट प्रेस इट इन टू माई स्किन लाइक वेरी जेंटली. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट योर नेक. लाइक आप जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना, ऑलवेज लाइक ड्रैग इट टू योर नेक ऑल्सो. आई जस्ट लव हाउ माई स्किन फील्स. आई विल अप्लाई अ लिप बाम. आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम ब्लू हेवन. सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स लाइक आफ्टर माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. और मैं जनरली लाइक डेली लाइफ में ना उतना ज्यादा मेकअप वेयर भी नहीं करती हूँ, तो आज मैं बाहर जाने वाली हूँ तो मैं जस्ट एक लिप एंड चीक टिंट यूज करूंगी एंड जस्ट सम मस्कारा एंड दैट्स इट. सो मैं वो भी फटाफट से कर लेती हूँ. सो आई एम ऑल रेडी. और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हूँ. लाइक अगर आज हम लोग मेरी वजह से लेट हुए ना, सो मेरी मम्मी ना लाइक मेरी बहुत सारी पिटी करने वाली है. मैं जाती हूँ फटाफट से और मैं आप लोगों से मिलती हूँ इवनिंग में. ओके गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम माई अंकल्स प्लेस. सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स. सो कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैंने आज हाइलाइटर नहीं लगाया था. लाइक माई स्किन लुक्स सो हेल्दी एंड लाइक सो ग्लोई. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 6 और लाइक मैंने बहुत सारा खाना ठूस लिया है, तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है. तो अब मैं फटाफट से अपना स्किन केयर कर लेती हूँ. सो First, I will change into something more comfortable. So 1, 2, and 3. So here I am in my comfy घर के कपड़े and I already feel so good and like so comfortable. First I will remove all the makeup like जो भी हम लोगों ने apply किया था. So for that I will use this Garnier micellar water and Miniso के cotton pads. So I am planning to get the microfiber cloth. So अगर आप लोगों के पास कोई भी suggestion है for that, so please leave it in the comment section. So मैं इसको थोड़ा सा इस वाले cotton pad पे ले लूँगी. So I will always suggest you guys to do the double cleansing process. So I will just hold it for 10 seconds and I'll just then swipe it off. See, this is our mascara. So इसने just एक ही swipe में हमारा mascara जो है वो पूरा निकाल दिया है. I will just do the same thing with this eye and then I will just gently clean my face. So after this I will wash my face and for that I am using this Mama Earth Vitamin C face wash. So ये दोनों ही मुझे काफी अच्छे लगते हैं और मैं इन दोनों में स्विच करती रहती हूँ. पर ये वाला मैं जनरली यूज करती हूँ इन नाइट बिकॉज इसमें है विटामिन सी. और अगर मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट में कोई भी एक्टिव होता है ना, तो मैं उसको रात में ही यूज करना प्रेफर करती हूँ. तो ये वाला एक सिलिकॉन का ब्रश भी मिल जाता है ना, तो ये ना आपके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी कर देता है. तो मैंने अपने फेस को ना हल्का सा डैम्प कर लिया है. नाउ यू जस्ट हैव टू प्रेस हेयर और फिर यहाँ से ना आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा. आई विल जस्ट प्रेस इट और मैं इसको बहुत ही जेंटली अपने स्किन पे ना मसाज कर लूंगी. मैं फटाफट से अपना फेस वॉश करके आती हूँ. सो आई एम बैक और मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुकी है. सो अब इसके बाद हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करेंगे टोनर एंड फॉर दैट आई एम अगेन यूजिंग दिस मामा अर्थ रोज फेस टोन. बच्चा वो प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करेंगे, अपने हाथों पे लगा लेंगे. सो नाइट टाइम में आई अप्लाई माई विटामिन सी सीरम. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस प्लम 15% विटामिन सी ग्लो बूस्ट सीरम एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी फेस सीरम इन द मार्केट राइट नाउ. दिस इज सो सो गुड यू गाइस. आई विल जस्ट अप्लाई दिस थोड़ा इधर, थोड़ा सा इधर, एंड दैट्स इट. हम लोग ना इसको फटाफट से अपने स्किन में लगा लेंगे. आई जस्ट लव द फील ऑफ दिस सीरम, इट इज सो गुड. सो नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग अंडर आई क्रीम एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस बाइबर डार्क सर्कल अंडर आई क्रीम फ्रॉम मामा अर्थ. एंड लास्ट आई विल अप्लाई अ मॉइस्चराइजर एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट इमल्शन. जस्ट लव द टेक्सचर ऑफ दिस मॉइस्चराइजर, इट इज लाइक सो सो लाइट वेट एंड इट इज सो मॉइस्चराइजिंग. एंड देन आई विल जेंटली मसाज इट इन टू माई स्किन. जो भी बच गया है वो मैं अपने हाथों पे लगा लेती हूँ. लास्टली आई वुड अप्लाई माई लिप बाम एंड आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम ब्लू हेवन एंड वी आर डन. सो ये तो वो सारी चीजें थी जो मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ. पर अगर आपको लाइक सच में एक ग्लोई स्किन चाहिए ना, तो आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. आपको अपनी डाइट बहुत ही हेल्दी रखनी पड़ेगी, दूसरा आपको अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी एंड तीसरा आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा. सो यार गाइज, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, तो अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आप वहां से परचेज कर सकते हो. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. बगल में जो
नोटिफिकेशन बेल है आप उसको भी प्रेस करो ताकि यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव। खाओ पियो खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, मास्क पहनो और सारे प्रिकॉशंस लो। आई जस्ट लव यू गाइज एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है करके जाना। तो चलो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।